अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी मुबारक हदीस है, प्यारे हदीस है, तरक्तुम अलल बैज़ा इलैहा कनहारिहा, तरक्तुम अलल बैज़ा इलैहा कनहारिहा, ला युदीकुहा बादी इल्ला हालिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुमको अपने बाद एक साफ सुथरी और पाकीज़ा शरीयत पर छोड़ कर जाता हूँ कि जिसकी रात उसके दिन की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया का कोई निज़ाम हो, दुनिया का कोई मजहब हो, दुनिया की कोई तहजीब हो, दुनिया के किसी मुल्क का कोई कानून हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं अंधेरा है, कमी है, नक्स है, लेकिन दुनिया के अंदर एक निज़ाम ऐसा है कि जिस निज़ाम के अंदर उसकी रातें भी उसके दिन की तरह है, और वो निज़ाम है निज़ाम मुस्तफ़ी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ पाकीज़ा निज़ाम, आपकी दी हुई पाकीज़ा शरीयत, लैलिहा कनहारिहा, इतनी मुबारक हदीस है कि उसकी रातें उसके दिन की तरह चमकदार हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है, कहीं किधर अंधेरा नहीं है। निकाह के इस मुबारक तरीके में देखिए अल्लाह ताला ने कैसी सफाई रखी है, कैसी पाकीज़गी रखी है, कि इंतखाब के लिए फरमाया, तुम कहो मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फसबर बिदीन करीमत यदा, के इंतखाब के लिए फरमाया कि उसको जमाल को, माल और दौलत को और उनके खानदान को इन निकाह के इंतखाब की बुनियाद मत बनाओ, उस निकाह की बुनियाद सीरत और किरदार को बनाओ, सीरत और किरदार को बनाओ, इसलिए कि ये बुनियादें जो है जो पहले जिक्र की गई वो आर्जी है, कमज़ोर है, उसका जमाल वक्ती है, माल और दौलत खाली का विषय है। शायद कहता है, मन की दुनिया आ जाती है तो फिर जाती नहीं, मन की दुनिया आ जाती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दुनिया छाव है, धन आता है धन जाता है धन। ये मन की दुनिया अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में उतर जाती है, और वो दुनिया जिसमें आ जाती है तो फिर निकलने के लिए तैयार नहीं होती, और तन की जो दुनिया है, जो जाहिरी दुनिया है, जो बदन की दुनिया है, वो एक छाव की तरह है, आता है छाव और जाता है, धन तो आता है जाता है। इसलिए इंसान के अंदर मुस्त जमाल और खूबसूरती हो, लेकिन सीरत और किरदार की मुक्तगी ना हो, पाकीज़गी ना हो, तो उसको जमात को लेकर इंसान क्या करेगा। इसीलिए शायरी ने कहा कि उसने सूरत चंद रोज़ा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आके और उससे खुश होता है दिल, कि उसने सूरत तो चंद रोज़ा है और उसने सीरत और किरदार की पाकीज़गी, उससे दिल खुश होता है। औरत के अंदर वफादारी हो, औरत के अंदर जो है अच्छाई हो, हिम्मत हो, पाकदानी हो, तहारत हो, शौहर की खिदमत का जज्बा हो, शौहर के ऊपर जान की निछावर करने का जज्बा हो, तो उससे शौहर को जो खुशी मिलेगी वो दिल की खुशी होगी, और उसको सीरत से और शक्ल व सूरत से जो खुशी मिलेगी उससे सिर्फ आंखों को खुशी होगी, इससे खुश होता है आगे, उससे खुश होती है आगे और उससे खुश होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो, खुशबहार जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो खशियत और तकवा की बुनियाद पर निकाह करो। इंसान को चाहिए कि औरत के अंदर खशियत देखे, तकवा देखे, नमाज की पाबंदी देखे, इन बुनियादों पर निकाह किया जाए, इन बुनियादों पर नहीं जो दुनिया देख रही है। आज तो मुसलमानों का भी ये हाल है कि जब मंगनी और रिश्ते का प्याम दिया जाता है तो उससे बात चलती है तो बच्चा अपने माँ के हाथ में लंबी फहरिस्त जो है थमा लेता है और उसमें ये लिखा होता है कि मेरी आने वाली दुल्हन और मेरी होने वाली दुल्हन के अंदर ये सिफात मिलेगा, और सिफात की माशाल्लाह इसे आनी के हुरा ने जन्नत ही उसको उसके ऊपर खड़ी उतर सकती है। खुद तो काले करोटे हैं लेकिन उसको भी चाहिए हूर और परी। ये अपने तवाज़ुन जो है
ये बड़ी अजीबो गरीब थी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाया कि कशियत और तकवा की बुनियाद पर निकाह करे जाएगा तो वो पायदार होगा, वो बाकी रहेगा, पायदार होगा, और उससे अल्लाह ताला जो औलाद अदा फरमाएगा उन औलाद के जरिए से आंखों की ठंडक हासिल होगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा को उसी पर चलाया और आपने उसी की तलबीत दी और उम्मत के लिए खैर और भलाई भी उसी के अंदर है, वरना बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। सब आए थे, उन्होंने एक वाक्य सुनाया था पूना कॉलेज का, पूना कॉलेज के प्रोफेसर ने उनको वाक्य सुनाया था। एक लड़की थी मुसलमान, पढ़ने के अंदर बड़ी अच्छी थी, उसका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा था, उसके अखलाक अच्छे थे। जब वो पढ़ करके निकल कर गई तो चंद महीनों के बाद कोसिक प्रोफेसर साहब कह रहे कि मुझ पर फोन आया और मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की ने घर से निकाह कर दिया। मुझे ताज्जुब हुआ, वो कह रहे कि मैंने उस पर फोन लगाया और मैंने उससे कहा कि तुम तो बड़ी अच्छी थी, पढ़ने में तुम आला थी, तुम्हारे अखलाक बड़े अच्छे थे, तुमने ये क्या किया और तुमने समाज की नाक कटवा दी। तो उस लड़की ने जो जवाब दिया है वो जवाब सुनने के काबिल है। उस लड़की ने कहा कि मैं पढ़ने में अच्छी थी और मेरी इज्जत और पाकदानी की तो आप खुद गवाही देते हैं, और मैंने कॉलेज का पूरा जमाना एहतियात से गुजारा, और जब मैं वहाँ से फारिग होकर निकली और मेरे रिश्ते के लिए तैयार आने लगे और पैगाम आने लगे और लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, तो चूंकि मेरी शक्लो सूरत सही नहीं थी और बराबर नहीं थी, इसलिए लोग मुझे देखने के लिए आए, तकरीबन 17 या 22 घराने के लोग मुझे देखने के लिए आए और वो सब के सब नाश्ता और खाना पानी करके चले गए और मुझे किसी ने कबूल नहीं किया। जब मेरी समाज ने उसको कबूल नहीं किया तो मैंने दूसरे समाज के अंदर बना दी। इन चीजों और इन बुनियादों को अगर हम जो है बुनियाद बनाएंगे निकाह की, माल और दौलत को, उस नौजवान सूरज स्वर को, तो ये नहीं नतीजा होगा, ये नुकसान होगा ही और हो रहा है। अल्लाह का करम है, एक ही दुखे माकर हो रहा है हमारे यहाँ, अभी अल्लाह का करम है, लेकिन अगर हम इन बुनियादों को अगर निकाह की जो है बुनियाद बनाएंगे तो ये नुकसान होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंकीद की है कि दिलदारी को बुनियाद बनाओ, तकवा और तहारत देखो, इससे निकाह पायदार होगा। और फिर फरमाया इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहु मन्नतन, ये सबसे बड़ा बाबरकत निकाह, सबसे बड़ा बाबरकत निकाह, कम खर्च वाला निकाह, कम खर्च वाला, साथी का दर्द नहीं, साथी का दर्द भी धोखा वाला, बड़ा खतरनाक है वो। एक आदमी लाखों रुपये खर्च करता है और फिर कहता है कि मेरी हैसियत तो करोड़ों की थी, मैंने तो 50 लाख की शादी में खर्च किए है, लिहाजा मैंने सादगी में निकाल। और एक आदमी गरीब वो 50,000 खर्च करने में मकरूज हो जाता है, तो सादगी को हर एक शख्स सादगी की तारीफ अपने अहतमाम से करता है। एक वाक्य लिखा है किताबों के अंदर, एक गीदड़ की एक ऊंट से दोस्ती हो गई जंगल के अंदर, दोनों रोजाना जो है तफरी के लिए निकलते थे साथ में। एक दिन निकले दोनों, रास्ते में नदी पड़ती तो गीदड़ ने कहा कि भाई ऊंट आज तो उस किनारे पर जाकर के तफरी करेंगे। ऊंट ने कहा ठहरो, मैं अंदर जाकर देखूं पानी कितना है, अगर थोड़ा पानी हो तो फिर तुम आ जाना। अब ऊंट जो है नदी में गया और बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और उसके घुटने तक पानी था। उसने गीदड़ को आवाज लगाई कि आ जाओ आ जाओ, मेरे घुटने तक भी पानी है। तो गीदड़ ने कहा ना भाई ना, तुम्हारे तो घुटने तक पानी है लेकिन इतने पानी में तो मेरी सात पुष्पें उठ जाएगी। तो मेरे बुजुर्ग मालदार की सादगी में तो गरीब के जो है जनाजे निकल जाएंगे, कई गरीबों के जनाजे निकल जाएंगे, मालदार की सादगी के अंदर कई गरीबों के जो है गरीब मकरूज हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितना निकाह कम खर्च वाला होगा अल्लाह के नजदीक इतना ही बाबरकत होगा, इतना ही बाबरकत होगा। और मेरे बुजुर्गों ये सादगी
और ये कम खर्चा नीता के हर मरहले में और नीता के हर जुज में होगा। हैदराबाद के अंदर एक बुजुर्ग थे, शाम स्किन का नाम था। उनके पास एक बेटा औरत आई और वो कहने लगी कि मैं उस हाथ से वैध होना चाहती हूँ और हाथ में हाथ डाल कर वैध हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं हो सकता, ये तो शरीयत में आराम है, मना। वो सुन्नत और शरीयत के पैरों थे और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बुजुर्ग थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अगर कोई दूसरा बुजुर्ग होता तो कहता कि अच्छा आ जाओ आ जाओ, इसलिए कि उनके यहाँ तो मुसाफा भी चलता है, मुआयना भी चलता है, सब कुछ चलता है। एक साहब थे, उन्होंने अपने मुरीद और मुरीदियों को मुसाफा करना शुरू किया तो किसी आदमी ने उनको टोका कि ये क्या कर रहे हो, शरीयत में तो मना है और तुझसे हाथ मिलाना और तुम तो पीर हो। उन्होंने कहा कि अगर हम उनसे मुसाफा नहीं करेंगे तो कयामत के दिन इनको कैसे पहचानेंगे। तो वो भी बड़ा गरीब तबा था, उसने कहा कि उसको मुसाफा पर भी इतफाक किया, वहां लगा कर लेते ताकि मालिकों की परमा हासिल हो जाती। तो ये तो तरीकत के नाम पर शरीयत को जो है, शरीयत को जो है उसके जनाजे निकालने वाले। अल्लाह ताला ने ऐसे जाहिल पीरों से हमें बचाया, जैसे अभी दारू की बात कर रहे हैं और फजाइल अगस्त के अंदर मौलाना ने बताया कि मौलाना नजीर निया साहब की कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जाहिल पीरों से हमें बचाया, वरना हम सब जो है ऐसे जाहिल पीरों के अंदर जो है लगे हुए थे। अल्लाह ताला उनकी खबर को दूर से वाकई में मौलाना ने कहा और दरमिया की बात में भी मौलाना ने कहा कि हमारे नजरी पढ़नी चाहिए ताकि इन मोहसिन का हमें एहसान जो है समझ में आए कि कितना बड़ा एहसान इस उम्मत पर, जितना एहसान हजरत मौलाना इलियास साहब ने मेवातियों पर किया है उससे ज्यादा एहसान इस उम्मत पर जो है, इस कौम पर मौलाना नजरी किया सकता है। ये तो बड़े बड़े जानते हैं, हम तो सुनते हैं सिर्फ, जिन्होंने अपने हाथों से मौलाना की हालत देखी है वो जो है मौलाना का तस्किरा करते हुए रो जाते हैं। तो इस बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत पूरी पढ़ी लिखी थी तो उसने कहा कि मैं बुढ़ी हूँ, आपकी 80 साल से ज्यादा तजावुज कर गए हैं, लिहाजा इजाजत दे दीजिए, कोई कितने के आदमी शादी है। तो इस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। इस बुजुर्ग ने कहा कि सही बात है, आप बुढ़ी हो गई हो, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन याद रख अल्लाह की शरीयत कल भी सिर्फ जवान थी, आज भी जवान है, शरीयत के हुक्म की तामील की जाएगी। निकाह के हर मसले में और निकाह के हर जुज के अंदर मेरे बुजुर्ग को सुन्नत और शरीयत का लिहाज किया जाएगा और उसकी रियायत की जाएगी। इंतखाब हो सुन्नत शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के नबी ने इंतखाब की जो बुनियादें बताई है इन बुनियादों पर हमारे इंतखाब होना चाहिए। दुनिया की जो है दुबरा कौम की बुनियाद पर इंतखाब नहीं होना चाहिए। और इंतखाब के बाद, इंतखाब के बाद मेरे बुजुर्गों हमारे यहाँ कम है, दूसरे इलाकों में और दूसरे देहातों में जो है ज्यादा है कि इंतखाब के बाद कौन पर बातें शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ नहीं था, इंतखाब शुरू हो गया है। ये हराम है, ये मियां बीवी नहीं बन गए, अभी तो इंतखाब हुआ है, मंगनी हुई है, मंगनी के बाद वो अजनबी ही है। अगर बातें कर रहा है मोबाइल से, अव्वलन को ऐसी लड़की को मोबाइल की क्या जरूरत है और ये मोबाइल कहाँ से आया। अगर माँ बाप ने दिया है तो उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, और अगर दूसरे रास्ते से वो आया है तो उससे ज्यादा जहाँ और उससे ज्यादा जो है गफलत की गलत के अंदर चली। ये मोबाइल कैसे आया और बड़ा मोबाइल लड़की के पास आया कैसे, और घंटों माँ बाप जो है देखती है कि लड़की हंसती है मोबाइल पर बातें करते हुए, लेकिन माँ भी नहीं रोकता, कि बाप भी नहीं रोकता, कि भाई नहीं रोकता, घर में कोई रोकते ही नहीं, इससे कौन आ रहे हैं। मान लो कि उसी से जिससे रिश्ता हुआ है उसी पे फोन आ रहे हैं, लेकिन ये अजनबी है, जायज नहीं है ये बोलना, ये जुबान का जिना है। और अगर फोटो सप्लाई हो रहे हैं तो ये देखना आंखों का जिना है और ये सुनना बातों का कान का जिना है। पूरी जिंदगी मंगनी से लेकर के निकाह तक ये जिनाकारी हो रही हो इन चीजों के जरिए से,
और फिर दीघा के जरिए से वो औरत घर में आएगी तो बरकतें आएगी, इस दीघा में बरकतें होगी। इसलिए उनको खबर रखने की जरूरत है अपने जवान बच्चों की। आमतौर पर वो औरत को माँ को खबर होती है कि बच्ची बातें करती है लेकिन माँ से छुपा होती है। इसलिए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है घर में, वक्त अब वक्त घर में आने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, वरना तो अवकाश मालूम हो जाते हैं कि इस वक्त में आने का वक्त है, सब समझ जाते हैं राजी में क्या होता है। इसलिए हमेशा अपने औलाद के बारे में कहा करता हूँ कि अपने औलाद के बारे में बदसम रहे, दूसरों के बारे में उसके धन न रहे। फिर मंगनी हो जाने के बाद शादी, शादी के अंदर मेरे बुजुर्गो उसमें भी कम खर्च और उसमें भी शादी की जरूरत है, नए नए हर साल, और हर साल जो है बुजुर्गों के अंदर और दुल्हनों के अंदर नई नई फैशनें और नए नए रिवाज चले आते हैं। गाँव के बोलिए कम है और गांव में आजाद करने वाले कम है, ये कानों तक जाना जरूरी हो गया और पूरी जमात कानों तक जाए और वहां हो गए तो बाल न कटे, ये बुजुर्ग खर्चा हो रही है मेरे लिए। और दुल्हन दूल्हे को जरूरत है बात कराने की और अपनी जमात करा रही है और दूल्हे से पैसे कमा रही है, ये हो रहा है। और हमने तो उनके ऊपर इत्मीनान कर लिया है कि बच्चा शादी है खर्चा कर, ये हिसाब है बुजुर्ग खर्ची है। अल्लाह ने हमको अनुजारों का उपागुन बनाया है, कौवाब बनाया है, निजरा बनाया है घर का, हर घर के एक एक बंदर की हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसका ख्याल रखना होगा। नहीं ये कि औरतों के हवाले कर दिया कि शादी करनी है जो करना है उसका जितने पैसे करे हमसे ले लेना, बाकी तुम संभाल। और फिर दूल्हा कहा जाता है इसकी भी कोई खबर नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। और दुल्हन के लिए कमरा सजाया जाता है, दुल्हन के लिए कमरे सजाए जाते हैं, पंखों पर झुमके लगाए जाते हैं, अभ्राज पर क्या क्या लगाया जाता है, चारपाई पर गजरा लगाया जाता है और वही गजरा एक महीने के बाद झगड़ा हो जाता है और वही जो है बहु जो है और जो है झूठ करती चली जाती है, ये गजरा झगड़ा झगड़ा आता है, ये बुजुर्ग क्या है। और ये हो रहा है अच्छे घरानों में हो रहा है। खबर रखने की जरूरत है शाम की नमाज पढ़ने के बाद दुल्हन आने से पहले कह करती जाओ कि कमरा सजाओ मैं आकर के देखूंगा, फिर दुल्हन को वहां अंदर से घुसने दूंगा, हमारी जिम्मेदारी है मेरे बुजुर्ग। मसरूर वो मसरूर का लड़ी जाती है, हर एक से सवाल किया जाएगा आपकी रिहाई के बारे में, आजाद नहीं है मेरे। इसलिए दुल्हन के लाने में रुख्सती में भी हमें सुन्नत और शरीयत की याद करनी होगी। मास कराने के लोग तो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाने में अहम समझते हैं कि हमारी बेटी इतनी आती है कि हम छोड़ने के लिए जाए, अरे जन्नत के सरदारन बनने वाली और हजरत फातिमा को अल्लाह के नबी ने अपने घर से रिश्त दिया है, वो तो हाथ में लेने के नहीं आया था, उनने हमें और जो औरतों के जरिए से वहाँ पर जो है शोहर के घर रिश्त दिया था। और हमारी लड़की उनसे बढ़ गई कि हमारे जो है छोड़ने के लिए हम हार महसूस कर रहे हैं, बल्कि दावत दी जा रही है कि भाई जितनों का आना हो आना, लेकर आना हो आना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा घर है और उसका ध्यान रखना है, बवाल मना रहे हैं, बवाल ना रहे। इसलिए उनको जितना हो सके यहाँ से अगर हम छोड़ने के लिए जाएंगे रुख्सती करेंगे खुद से एक गाड़ी में हम जाएंगे, ज्यादा गाड़ियाँ लेकर नहीं जाएंगे, और वहाँ से लेने के लिए आएंगे तो वो तो अंदर तो आएंगे, वो कहेंगे तो चार आएगी और चार कहेंगे तो दस आएगी। इसलिए अपनी रिक्रूट की रुख्सती खुद करो, उनकी भाभियों के साथ उनको छोड़ो, अगर मानी जा सकती तो भाभियों के साथ बहनों के साथ रवाना करो, लेकिन खुद रवाना करो, साथ ही लाओ उसके अंदर।
और सती के अंदर ये खुरापात और अन्ना सजानी के अंदर ये खुरापात और दुल्हा के साथ ये खुरापात और फिर मेहंदी के बारे में कौन आते हैं कि मच्छा जी साहब व्यक्ति और लड़की से मेहंदी लगवाना जायज है या नहीं है, क्या हमारी मुसलमान लड़कियां कम है मेहंदी लगाने वाली के ज्ञानों से हमें मदद लेनी पड़ती है और वो भी मेहंदी लगाने के 5,000-3,000 के गुजर देते हैं। कहां पर लड़कियां जो है मेहंदी लगाती है जरा सोचो तो सही। गैर के सामने बहादुर रहने का हुक्म है, औरत को मुसलमान औरत को गैर के औरतों के सामने जैसे अजनबी मर्द के सामने रहने की बहादुर रहने की जरूरत है। और यहाँ तो इतने गुरी मिल रहे हैं गैरों के साथ यहाँ करने वाली के साथ और गैरों के साथ कि वो तो यूं कहती है कि घर में जो चीज भी मुझे सब चीजों की मुझे मालूम है उससे सब चीजें मंगवाई जाती है, उनको जो जरूरत पड़ती है साहिबा को और साहिब को तो मुझसे ही मंगवाती है। सिर्फ जो है उनकी औरतें तो खाना पकाती है और किचन धोती है बस, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब मेरे जिम्मे है और सब कुछ रखना भी मेरे जिम्मे, सब कुछ देना भी मेरे जिम्मे। इतना अल्लाह के कुरान में ये फरमाते हैं, कुरान ये फरमाता है कि जो दुश्मन है उनके साथ गहरा ताल्लुक रखना और दिली दोस्ती रखना ये जायजी है हराम है। और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ में, हमारी लड़का आज की रेगुलरी चढ़ा चढ़ा करके हाथ अपनी हत्या लगा देती है और प्यारों ने कहा जरूरत देने इसको इजाजत नहीं उसकी, उनको तो दूर रखो अपने से, राज की बातें जो फैलाएगी इनको दूर रखो अपने से। इन सब चीजों में सुन्नत और शरीयत की रियायत मेहंदी के अंदर। फिर उसके बाद वलीमे में हर साल के वलीमे नए नए होते रह रहे हैं, वो साथ भी चली गई लापसी और जो है वो बिरयानी अब आइटम एक चीज होनी चाहिए, फुलाने चार आइटम एक थी मैं उसको बढ़ा दूँ 6 आइटम, एक वलीमा 4 लाख का 5 लाख का 6 लाख का। और फिर ये वलीमे खाने वाले कीमतें करेंगे, खा करके कीमतें करेंगे और पाकाना भी जो है वो टूट देंगे वो सब। अगर ये 4 लाख के बजाय 2 लाख का अगर वलीमा करता और 2 लाख के गरीब के मकान बनाता तो जब तक इसकी मकान पर निगाह पड़ती उस गरीब की तो उसका शुक्र अदा करता कि अल्लाह उनकी जजाए खैर दे उन्होंने हमारे मकान बनाए, दुआ निकलती। लेकिन गरीबों के मकान की तकमील के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उनको कर्ज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और इंतजार और फजूल खर्ची के लिए हमारे पास लाखों रुपये। कौन गरीब कौन अमीर को दिखाई नहीं देता, क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने पैसा इसलिए दिया है और याद रखो ये पैसे निजा खर्च हो रहे हैं, इसराफ हो रहा है तो तुम समझ लो कि ये हराम का है, कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है। इससे पहले खर्च करने से पहले देखो कि मेरी आदत ही कैसी है और मेरे ऊपर दूसरी के हुकूक है या नहीं है। पहलू का विरसा तो बाकी नहीं है, पहलू का विरसा दबा करके वलीमे कर रहे हैं, पार्टनरों के हिस्से दबा करके वलीमे कर रहे हैं, पार्टनर ने भरोसा करके होटल चलाने के लिए हिस्से रखे थे और कहा कि जो तो जो वोट आई हूँ कह करके खा गए और फिर आराम से रह रहे हैं और वलीमे कर रहे हैं। इन सब के हिस्सों की जिम्मेदारी हमारी, इस पर कुछ होगी वलीमा नहीं करेगा तो कोई नहीं कुछ होगी, कयामत के दिन उसकी पकड़ होगी, बहने खड़ी होगी, कुतिया खड़ी होगी, भतीजे खड़े होंगे अपना हाथ मांगने के लिए। एक बालिश अगर जमीन दबाई है किसी की बहन की या किसी की, कल कयामत के दिन सातु जमीनों का टॉप जो है गली में डाल जो है डाला जाएगा। आसान काम नहीं है, इसलिए ऐसे बड़े वलीमे करने के बजाय अपने दिमाग में दूर डालकर सोचे कि मेरे जिम्मे किनके हक बाकी हैं, मैं उनके हक अदा करूं पहले। वलीमा न होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हक तो अदा हो जाए मेरा, आखिर तो मेरी बच जाए।
इसलिए उनको निगाह के हर जुज के अंदर जो है सादगी कम खर्च लाओ। जितना निगाह अब तुम कहोगे कि औलाद पर खर्च नहीं करेंगे तो औलाद पर खर्च करने की मुआना नहीं है। मेरे बुजुर्गो निकाह के मौके पर खर्च करेंगे रिवाज बनेगा गुना होगा। औलाद पर खर्च करने के दूसरे मौके हैं, जब गुजारा हो उसका और उसके सास ससुर उसको गुजरा दे तो उस वक्त घर बन करके सामान दे दो सबके क्या सवाल मिलेगा वो दे देगा। लेकिन उस वक्त तो क्या कहेंगे एक पैसों पर छूट दे एक चार पाई दूसरों की पर छूट दे सारा इस तरह लाभ दे बस ऊपर नीचे वाले गुजार बचाओ। गरीब से रहा लो गरीब से कंगाल से कोई किसी भी मजदूर आपसे कोई बाकी मत रखे सारा आपको तो ये देने का मौका है। और जहेज की बला नहीं है, जहेज की बला नहीं है। एक चीज लड़कियों के शादी में खाने की बला भी नहीं है, अल्लाह का करम है। लेकिन एक वलीमा हो गया है जिसका बनाए में सोच लेना, एक वलीमा हो गया लड़की का इस दुनिया में हुआ कि सब रिश्तेदार आए हैं पर वैसे तो रिश्तेदारों को खिलाना है तो रिश्तेदारों को खिलाने के लिए लड़की के दिन शादी के दिन मौका मिला और कोई मौका ही नहीं था। ये बहानाबाजी करता है शैतान जो है बेहतरिया बताता है और ये बहानाबाजी करता है। एक हो चुका है आपको मालूम है तो मुझे मालूम हो चुका है और काफ़ी निकाल में जो है वो दावत हुई है और अच्छे घराने में दावत हुई है। रोकेंगे नहीं टोकेंगे नहीं तो बात करते उस वाली साहब फरमाते हैं कि कोई फैशन आती है और उसको 10 रोटी रोकने वाले होते हैं टोकने वाले होते हैं तो फैशन चली जाती है और कोई नहीं रोकता टोकता तो वो फैशन चली आती है। वो कहता उसको नहीं टोका तो मैं भी करूँ उसको नहीं टोका तो भी करते करते फैशन चली आती है। इसलिए ऐसा ना हो कि हमारे अंदर ये वबा चले। लड़की के शादी में कोई वलीमा नहीं है, कोई वलीमा नहीं है शादी के लिए। एक बात दूसरी बात जहेज की बला से अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। लेकिन लेकिन दूसरे तरीके से जहेज शुरू हो रहा है। सुन लो एक लड़की है, लड़की एक है तो कबाड़ दे दिया शादी किया बेटी की बजाय कबाड़ पहले तो क्या चलती थी सुर्खी खाए और सुर्खे के बाद मालदार और जो है एक लड़की वाले दो लड़की वाले कबाड़ देने लगे फ्रीज देने लगे और वॉशिंग मशीन मेरी लड़की को कपड़े नहीं धुल सकती थी वॉशिंग मशीन देने लगी। ये क्या है अभी तुम दे रहे हो कल वही जहेज बनेगा और घूम मांग कर जो है मांग कर जाएगा कि इतना लोगे तो निकाह करेंगे वरना नहीं। यूपी बिहार उड़ीसा और बंगाल के हालात देखो सब जहेज की लागत में ऐसे फंसे हैं कि 30-30, 40-40 साल की लड़कियाँ घर बैठी है उनके माँ बाप के पास दहेज का सामान तैयार करने के लिए पैसे नहीं और दामाद को मोबाइल दे दिया घड़ी दे दी दामाद को मेरी लड़के अकेले अकेला दामाद है घड़ी दे दी। अभी घड़ी देने का मौका है शादी का तुझे मौका मिला तुझे घड़ी देने को उसके लिए दूसरा बनता है अभी घड़ी देंगे तो ये रिवाज बन जाएगा दहेज की लागत शुरू हो जाएगी देखा देखी दूसरी नजरें लगेंगे और फिर बढ़ेगा तो फिर मुतालबे शुरू हो जाएंगे दामादों की तरफ से और मुतालबा पूरा न करने पर फिर लड़कियां घर बैठेगी। इसलिए अभी से कदम रोको मेरे दोस्तों अच्छे अच्छे घराने में दाजू के घराने में ऐसा हो रहा है कि मैंने देखी सुनी बातें जो है मैंने कही है और अपनी तरफ से जो है वो ऐसे वैसे नहीं कही जो हुआ है होता है मोहब्बत पे दिया है अभी तो इसलिए एक दामाद है अच्छा है माशाल्लाह देना है लेकिन दो महीने के बाद दो दो महीने के बाद दो कौन मना करता पूरा घर बना करके दो कौन ना करता है। लेकिन मौका होता है जिस मौके पर दोगे तो रिवाज बन जाएगा शादी के मौके पर और वबा आ रही इतना होगा और दूसरे मौके पर दोगे तो सत्य का सवाल खर्च करने के जो है मौके भी हमें मालूम करने की जरूरत है। उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद की जिंदगी के बारे में भी बड़ी ताकीद फरमाई है। जिनके निकाह होने वाले हैं गौर से सुनो
खुशबार और खुशबार जिंदगी गुजारने के लिए उन हिदायत को इख्तियार करना जरूरी है। इन हिदायत की बुनियाद पर अच्छी जिंदगी बनती है और अच्छी जिंदगी नहीं बनाती है, और वो बुनियाद है तकवा, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर वो चीज़ है जो इंसान के पैरों की जंजीर बन जाता है। अल्लाह का तकवा तन्हाइयों में, खलबतों में, जलबतों में इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है। अल्लाह का तकवा वो चीज़ है जो सब तसल्लियों के अंदर इंसान को इस तरह से उठा करके अपराध के सामने सदारे को देता है। अल्लाह का तकवा वो चीज़ है जो चिलचिलाती धूप के अंदर इंसान को मस्जिद में आने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह का तकवा वो चीज़ है जिसने यूसुफ़ अज़ीम को बचाया था जबकि एक खूबसूरत खातून ने खुद गुनाह की दावत पेश की थी। अल्लाह का तकवा वो चीज़ है जिसने सहाबा इकराम को वो इज्जत अता फरमाई जो अंबिया के बाद किसी को नहीं मिल सकती। ये तकवा है अल्लाह का, और इस तकवा की बुनियाद पर जिंदगी खुशगवार बने। इसीलिए अल्लाह ताला ने निकाह के दूसरे में वस्तकुल्लाह बार बार फरमा करके फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मेरी बंदियां तुम्हारे निकाह में आ रही है, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहो। वस्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलू बिही वल अरहाम, क्यों फरमाया कि डरो उस अल्लाह से जिसके नाम के वसीले से एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारी का ख्याल रखो और उससे डरो, सुसारे रिश्ते की जो है उसकी निगरानी करो, उसका ख्याल रखो और उसके बारे में डरो। तकवा के जरिए से इंसान के अंदर नरम सुलूक पैदा होगा, नरमी पैदा होगी, अपने घरवालों के साथ बच्चों के साथ नरमी का मामला करेगा। जिसकी जिंदगी में तकवा नहीं होगा उसकी जिंदगी के अंदर जो है नरमी का मामला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कोई जो है बच्चा आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने गोद में लेकर के चुमा। एक सहाबी अपना इब्न हाफिज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अल्लाह के नबी चुप रहे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे तो 10-11 लड़के हैं, मैंने आज तक कभी किसी एक को इस तरह प्यार नहीं किया। उनको हैरत हुई कि अल्लाह के नबी इस तरह बच्चे को चुन रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त पर जवाब दिया, फरमाया अगर अल्लाह ताला किसी के दिल से रहम को निकाल दे तो उस पर मैं क्या कसूर। ये रहम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहम सिखाया, मोहब्बत सिखाई, उल्फत सिखाई। हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा लेकर चले हैं, आपके आंखों में आंसू रवा है, आपके दस्ते मुबारक से कब्र में लिटा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अलऐनु तदमउ वल क़ल्बु यहज़मु, अलऐनु तदमउ वल क़ल्बु यहज़मु, व इन्ना लिफ़िराक़िक या इब्राहीम लमहज़ूम। अरे बेटे, तुम्हारे जाने से तुम्हारा बाप का दिल टूटा हुआ है, आंखें रो रही है, दिल रंजीदा है। इब्राहिम, तुम्हारे जाने पर हम गमगीन हैं। ये रहम सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के साथ, ये रहम। एक तो बंदा खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते कमरे में से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, लंबा कुर्ता पहना हुआ था, नाना जान की तरफ आगे बढ़े, आप मिंबर पर तशरीफ फरमाते, इतने में गिरने के करीब हो गए। आप इस्लाम फौरन खुतबा बंद करके नीचे उतरे और उनको हाथ में लेकर के मिंबर पर तशरीफ लाए, और फिर खुतबा के दौरान आपने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश का जरिया है। ये मोहब्बत दी उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ कैसा ताल्लुक रखा, ओ शादी करने वालों, बीवियां हमारी बाजिया नहीं है, हमारी नौकरानियां नहीं है, घर की मलिका है,
सिर्फ उनसे शहावत पूरी करने के लिए वो नहीं है। अल्लाह के नबी ने कैसा ताल्लुक रखा, मतलब खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना जान माल अल्लाह के नबी पर लुटाया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी मोहब्बत और उनकी वफादारी को हमेशा याद रखा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बड़ी साहबजादी, उन्होंने एक हाल भेजा आपकी खिदमत पे अपने शौहर अबुल आस को छुड़ाने के लिए, जो जंगे बदर के अंदर कैद होकर के मुसलमानों के हाथों में आए थे और अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हार हजरत ज़ैनब को दिया था निकाह के वक्त, वो हार हजरत ज़ैनब ने भेजा था। आप इस्लाम तशरीफ फरमाते, आपके सामने वो हार पेश किया गया, ज़ैनब ने ये हार भेजा है। रिवायत में आता है कि आप इस्लाम ने वो हार हाथ में लिया और आप इस हार को आपके उलट पलट करने लगे और आपके आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा की हार हाथ पर आप इस्लाम ने सिर्फ हार देख कर रो पड़े, जो हार उनकी मरहूमा बीवी के गले में पड़ा रहता था। आप इस्लाम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, ये हार ज़ैनब ने भेजा है जो उसको उसकी माँ खदीजा ने दिया था, अगर आप नहीं जा सको तो इस हार को भी वापस दे दो और उसकी पैदी को भी छोड़ दो। कैसी दयानत थी, अगर आप इस्लाम हुक्म फरमाते कि हार भी वापस कर दिया जाएगा और कैदी को भी रिहा कर दिया जाएगा तो कौन रोक सकता था, लेकिन नहीं, इंसान देखिए, अमानत देखिए, दयानतदारी देखिए अल्लाह के नबी की। सहाबा को जमा करते फरमाया, अगर आपकी इजाजत हो तो हार वापस कर जाएगा वरना नहीं। सहाबा ने फरमाया, हमारे बाबा को आपको मुकम्मल आप जो फैसला करें हम मंजूर है, तब हार वापस कर दे रहे। ये मोहब्बत दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे फतेह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलाम फातिहाने शान के साथ दाखिल हो रहे हैं, लोगों ने देखा कि ये तो फातिहाने शान के साथ बादशाह बनकर जा रहे हैं, इसलिए रिश्तेदार अरब ने आपको दावत देना शुरू किया कि आप हमारे घर जो है खाना खाइए और हमारे घर आराम कीजिए। अलैहिस्सलाम ने किसी की दावत कबूल नहीं फरमाई। सहाबा ने सोचा, ख्याल किया कि शायद बैतुल्लाह के अंदर आप रात गुजारेंगे, इसलिए कि कई अरसे के बाद तशरीफ आती हुई है। लेकिन रात में जब गहरी रात हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फतह का झंडा हाथ में लिया और लेकर के हजरत खदीजा की कब्र पर तशरीफ ले गए। और आप अलैहिस्सलाम ने वो फतह का झंडा हजरत खदीजा की कब्र पर गाड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने ये क्यों किया, ताकि दुनिया के लोग देखे कि अगर आज मक्का फतह हुआ है तो इसके फतह के अंदर इस औरत का भी हाथ है, इस औरत का भी इसमें हाथ है जो इस कब्र के अंदर सोई हुई है, जिसने आप अलैहिस्सलाम का ऐसे वक्त में साथ दिया था जिस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया था, मुश्किल वक्त में उसने साथ दिया था और आप अलैहिस्सलाम पर अपना जान और माल लुटाया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने भी उनकी वफादारी का ही बदला दिया। ये औरतों के साथ जो है वफादारी का मामला, ये मोहब्बत का मामला अल्लाह के नबी साथ। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा दे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया हजरत खदीजा की जिंदगी में हयाती में, कहने लगे हजरत खदीजा आपके लिए सारा या कोई चीज तैयार करके ला रही है, जब वो आ जाए तो उनको कहना, खुशखबरी सुना देना कि अल्लाह ताला ने खदीजा पर सलाम भेजा है और मैं जिब्रील खदीजा की बारगाह में सलाम अर्ज करता हूँ, और उनको खुशखबरी दे देना कि जन्नत में एक मोती का महल मिलेगा,
जहां पर न कोई शोर होगा न कोई मुशक्कत होगी। अरे खदीजा तशरीफ लाई, नाम ने फरमाया खदीजा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का सलाम तुम पर आया है और जिब्राइल सैयदुल मलाइक ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है और जन्नत में मोती के महल की बशारत दी है। अब मोहब्बत देखिए, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत देखिए। जवाब दिया, जवाब में फरमाया अल्लाहु वस्सलाम, अल्लाह तो खुद सलामती वाला है। हजरत खदीजा ने जवाब दिया अल्लाहु वस्सलाम, अल्लाह तो खुद सलामती देने वाला है, सलामती वाला है। وعليك مني وعليك على جبريل وعليك على جبريل ومني على جبريل السلام، اور میری طرف سے جبرائیل کو سلام ہو۔ وعليك يا رسول الله عليك السلام، اور آپ پر اے میرے سرتاج آپ پر بھی سلامتی ہو، اس لیے کہ آج یہ خوشخبری جو مجھے مل رہی ہے اللہ کی طرف سے اور جبرائیل کی طرف سے، تو اس خوشخبری کا نتیجہ یا آپ کے پتوں کی دل کا نتیجہ ہے، آپ کی وجہ سے مجھے یہ بشارت مل رہی ہے۔ وعلیک یا رسول اللہ السلام، آپ پر اے رسول آپ پر سلام۔ یہ محبت کی باری، اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، آبرو دی ہے، جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ اللہ سب پر مان کر کے دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کے حکم کی ہم نے خلاف ورزی کی اور اس پہ اسراف سے ہم چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سب پر مان کر کے ہم سے چھین لے گا۔ اور ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے اسے واقعات ہے کہ روڈ جو ہے کروڑ پتی ان کو اللہ تعالیٰ نے روڈ پتی بنایا ہے، اس لیے یہ موقع آتے ہیں خوشی کے، اس پہ منع نہیں ہے خوشیاں منانے کا، لیکن حد میں رہ کر کے، حد میں رہ کر اللہ تعالیٰ فرمائے دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، ہم خوب خوشی منائیں، اولاد پر خرچ کریں، لیکن اسراف اور فضول خرچی سے خود بھی بچے، اپنے اولاد کو بھی بچائے اور غریبوں کا خیال رکھے، اور ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی غلط چیز ہماری نگاہوں کے اندر نہ آئے۔ ہر ایک شخص اس کا فکر کرے کہ میری وجہ سے کوئی نئی رہ رواج اور کوئی نئی رسم میری وجہ سے وجود میں نہ آئے، بندہ تو کل قیامت کے دن جتنے بھی اس پر چلیں گے سب کا وبال دیر پر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اہمیت وہ دے گا جس کو اللہ اس کی بڑھائی اور اللہ کے عظمت جس کے دلوں میں ہوگا، اللہ کے احکام کی عظمت جن کے دلوں میں ہوگی، اللہ کے نبی کی شریعت اور سنت کی عظمت ہوگی ان کے دلوں میں عمل ہوگی، تو وہ اللہ کے نبی کے باتوں پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے موقع دیا ہے، یہ بار بار جھکنا اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے عظمت ہمارے دلوں میں آوے، اللہ کے عظمت ہمارے دلوں میں آوے، نبی کی سنت اور شریعت کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے۔ اس کے لیے بار بار اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی باتوں کو، نبی کی سیرت اور سنت کو بیان کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، وہ عظمت ہمارے دلوں میں